कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगो कविकर्मणि। पूजा एक ऐसी भावना है जो उसी मन में जन्म लेती है जिसमें ईश्वर को पहचानने की शक्ति हो। पूजा ईश्वर को धन्यवाद देने का एक ऐसा ढंग है जिसे रीतियों, रूढ़ियों और आडंबरों में सीमित नहीं किया जा सकता। पूजा न बलपूर्वक करवाई जा सकती है ना बलपूर्वक रुकवाई जा सकती है। ये एक स्वैच्छिक क्रिया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि देवराज पूजा के प्रदर्शन को इतना महत्व देते हैं कि उसके बंद करवाए जाने का आदेश ही सुनकर आप इसे बाहर हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया जो देवत्व के अपमान के समान था। मुझे तो ऐसा लगा कि देवराज इंद्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हों, दोनों घृणा और बैर के धारे में बहकर आत्मविवेक खो बैठते हैं। आपका हृदय बहुत कोमल है, किसी की भी पीड़ा आपको विवल कर देती है, उदास बना देती है, और यह तो आपके पौत्र और प्रपौत्र का प्रश्न था, पर अब किया भी क्या जा सकता है महादेवी? विरोचन और बलि के साथ जो कुछ हुआ केवल उसी का दुख होता तो संभवतः सहन भी हो जाता, पर यह दुख असहनीय है कि उनके साथ यह व्यवहार देवताओं ने किया। यदि देवता भी षड्यंत्र और छल कपट पर उतर आएंगे, दैत्यों और दानवों की तरह क्रूर, अत्याचारी और भावनाहीन हो जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा? देवराज केवल इसलिए पौत्र विरोचन से रुष्ट हुए कि उन्हें अपनी पूजा बंद हो जाने का भय था। ये तो कोई बात नहीं हुई। कल हर वो व्यक्ति जो समाज का थोड़ा भी भला करेगा वो अपनी पूजा कराने की मांग करेगा। फिर पूजा श्रद्धा की भावना से नहीं होगी, वो एक कर का रूप धारण कर लेगी। पूजा पूजा नहीं रहेगी, व्यवसाय और व्यापार बन जाएगी। आप सत्य कह रही हैं महादेवी, मैं तो दुखी भी हूं और क्रोधित भी,
और इसीलिए मैंने देवताओं से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है। पटकने से तुम्हारे पति और पुत्र लौट कर वापस तो नहीं आएंगे? तो फिर मुझे भी उन्हीं के पास भेज दीजिए। हे पिताश्री, यदि अपनी पुत्री के लिए आपके हृदय में तनिक भी प्रेम है तो मुझे उनके पास भेज दीजिए, उनके पास भेज दीजिए। मैं अपने पति के जीता पर जलकर तो ना मर सकी, मुझे अपने पुत्र के साथ चलकर मर जाने दीजिए, मर जाने दीजिए मुझे। बस करो पुत्री, बस करो। तुम्हारे दुख ने तो धरती आकाश को हिला कर रख दिया। मैं शिष्य विरोचन को बचा नहीं सका, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरी अनुपस्थिति में हुआ। मेरे पहुंचने पर यदि विरोचन का शव मेरे समक्ष होता तो मैं संजीवनी मंत्र से उसे जीवित कर देता, परंतु कायर इंद्र ने उसके शव को भी जला दिया। सौभाग्यवश बलि का शव मेरे समक्ष है, यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया जाए। Thank you.
पुत्र। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये जीवन आप ही का है, आप मुझसे जो चाहे मांग लीजिए, मेरा ये जीवन भी। ये जीवन मांगना होता तो मैं तुम्हें देता ही क्यों। ये जीवन मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि मैं तुमसे कुछ और मांग सकूं। आदेश दीजिए गुरुदेव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देना ही चाहते हो तो देवराज इंद्र का मुकुट लाकर मेरे चरणों में धर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। रुक जाओ, पहले मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूं कि तुम विजेता विश्व विजेता बन जाओ। देखा आपने महादेवी, देखा विवेक और संयम से कार्य ना लेने का परिणाम। न जाने देवराज को क्या हो गया है, अच्छी भली शांति छाई हुई थी तो उन्होंने पौत्र विरोचन की हत्या कर दी, वो भी धोखे से। अब बलि उनका शत्रु हो गया है। पुत्र प्रहलाद ने जो शांति का वातावरण बनाया था उसे देवराज ने समाप्त कर दिया। पुत्र प्रहलाद ने जो देवताओं से संधि की थी वो भी टूट गई। हे कमलनयन, अब मुझे चिंता हो रही है। चिंता का विषय ये नहीं है महादेवी कि जो हुआ वो बुरा हुआ, चिंता का विषय तो ये है कि आगे जो होगा वो भी भला नहीं होगा। हे कमलनयन, क्या होने वाला है? महादेवी, दो पक्षों में संधि का टूटना एक श्रृंखला के टूटने के समान होता है। एक कड़ी टूट जाती है तो कड़ी पर कड़ी टूटने लगती है। महादेवी, मोती जिस डोर में पिरोए हुए होते हैं यदि वो डोर ही टूट जाए तो सारे के सारे मोती भूमि पर बिखर जाते हैं, और इन बिखरे हुए मोतियों को दोबारा समेटना और फिर से उसी डोर में पिरोना ये सरल कार्य नहीं होता महादेवी। जानती हूँ कमलनयन, बसी बसाई नगरी को उजाड़ना सरल कार्य होता है, उसी नगरी को फिर से बसाना बहुत कठिन होता है। वर्ष और पीढ़ियां बीत जाती हैं उसे बसाने में। सत्य कहा महादेवी, समझौते का तोड़ना सदैव शत्रुता को जन्म देता है, और शत्रुता एक ऐसा विषैला पौधा है जिस पर केवल द्वेष के पुष्प और संदेह के कांटे ही उगते हैं, और ये द्वेष और संदेह कई पीढ़ियों तक अपना रंग दिखाते रहते हैं। हे महादेवी, हिरण्यकश्यपु ने जो शत्रुता का विषैला वृक्ष बोया था उसे मेरे भक्त प्रह्लाद ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था, पर अब मुझे ये भय है महादेवी कि प्रह्लाद की तीसरी पीढ़ी में यह विषैला पौधा कहीं फिर से अपना सिर न उठा ले। परंतु हे कमलनयन, इसमें मेरे प्रपौत्र बलि का कोई दोष नहीं, यदि कुछ हुआ तो उसका उत्तरदायी मैं देवराज को ही मानूंगी। मुझे भी बलि से सहानुभूति है महादेवी, निस्संदेह उस पर अत्याचार हुआ है, पर महादेवी यही तो परीक्षा के क्षण होते हैं। इन्हीं क्षणों में यह सिद्ध होता है कि कौन अपना विवेक और संयम खो देता है और कौन खो नहीं देता। देवराज इंद्र ने अपना विवेक खोया, अपना संयम खोया, तो उनके हाथों से एक घोर अपराध हो गया। अब देखना यह है कि बलि अपने विवेक और संयम पर नियंत्रण कर सकता है या नहीं। पांव तले रौंदी जाए तो चींटी भी काट लेती है। बलि के साथ देवराज ने जो व्यवहार किया उसे देखते हुए मुझे बलि का क्रोध सर्वथा उचित लग रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं महादेवी, पर यह जान लीजिए कि सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है, और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघ कर परे चली जाती है तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। बलि इस समय अपने जीवन पथ के कठिन मोड़ पर खड़ा है। We'll be right back.
नरक में तुम्हें भेंट कर रहा हूं शिष्य। संसार में ऐसा दूसरा रथ कहीं नहीं है। वो कौन सा अस्त्र है जो इसमें नहीं है? वो कौन सा शस्त्र है जो इसमें नहीं है? ये विजयी रथ है, न कोई इसकी राह रोक सकता है, न कोई इसे हानि पहुंचा सकता है। ये विश्व विजयी रथ है, त्रिलोक विजयी रथ। अपने अभियान पर तुम इसी रथ पर सवार होकर निकलोगे। विजय श्री तुम्हारी प्रतीक्षा में सांस थामे खड़ी है। गुरुदेव, विश्व विजयी भाव शिष्य, विश्व विजयी भाव। माता श्री। आयुष्यमान भव पुत्र। ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते। आयुष्मान भव, तुम्हारे सिर पर राजमुकुट रखने का शुभ कार्य तुम्हारे पिता सम्राट विरोचन को करना था, परंतु मुझे खेद है ऐसा नहीं हो सका। किंतु गुरु भी पिता के समान होता है। मैं दैत्यों का कुल गुरु हूं। मैंने दैत्यों की कई पीढ़ियों को शिक्षा दीक्षा दी है। इस दृष्टि से मैं दैत्यों का पितामह हूं। और आज इस राज मुकुट को पहनाने का शुभ कार्य मैं स्वयं करूंगा। परंपरा है कि सिंहासनारूढ़ होते ही सम्राट कोई वक्तव्य देता है जो उसकी नीति की घोषणा के समान होता है। तुम भी अपनी नीति की घोषणा करो शिष्य। घोषणा नहीं गुरुदेव, महाराज प्रह्लाद के सिंहासन पर बैठकर महाराज विरोचन का मुकुट सिर पर धारण करके मैं घोषणा नहीं गर्जना करता हूं, मैं विरोचन पुत्र बलि देवताओं के विरुद्ध निरंतर युद्ध की घोषणा करता हूं। यह मेरी प्रथम और अंतिम नीति होगी। यह युद्ध आज से, अभी से, इसी क्षण से आरंभ किया जाए। आप सब युद्ध की तैयारियां कीजिए। महाराज बलि की जय। आक्रमण। आक्रमण।
मेघराज। आओ मलय केतु, देवसेना हार रही है, यही समाचार लाए हो ना? जी हाँ देवराज। और बलि हमारी ओर बढ़ रहा है, वह हमारी सभा में आ रहा है, क्यों? जी हाँ देवराज, यह घटना किसी भी क्षण घट सकती है, बलि आना ही चाहता है। आने दो उसे, एक बार पहले भी तो आया था यहां, क्या हुआ था? मारा गया था ना? किंतु देवराज, कुछ नहीं, फिर मारा जाएगा, और इस बार मैं उसे मारते ही जलाकर राख भी कर दूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उसे पुनर्जीवन प्रदान करने का अवसर ही नहीं दूंगा मैं। क्षमा करे देवराज, किंतु आप त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु के क्रोध को भूले जा रहे हैं। कितने रुष्ट थे वो जब हमने पहली बार बलि का वध किया था। तब बात और थी, तब वो एक ऐसे पुत्र के रूप में आया था जिसके पिता का वध हुआ था, परंतु आज तो आक्रमणकारी है, और आक्रमणकारी किसी भी प्रकार की दया का अधिकारी नहीं होता। उसे आने तो दो। मैं आ गया हूं देवराज इंद्र, तुम्हारी मृत्यु का संदेश बनकर। मृत्यु का संदेश? तुम कुछ भूल रहे हो दुस्साहसी बालक। मैं कुछ नहीं भूला हूं इंद्र, मैं जानता हूं कि तुम देवगण अमृत पान कर चुके हो, अमर हो चुके हो, मर नहीं सकते हो, यही कहना चाहते हो ना तुम? जानते हो तो ऐसी मूर्खता की बातें क्यों कर रहे हो? जो अमर है, जो मर नहीं सकते, उनकी मृत्यु का संदेश कौन बन सकता है? जानता हूं देवराज इंद्र, भली भांति जानता हूं कि ना तुम मर सकते हो और ना ही कोई तुम्हें मार सकता है, परंतु कायरों के कायर इंद्र, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन दासों को, जिन्हें सब चाओ से देवता कहते हैं, जानते हो कहां पहुंचाऊंगा? हां हां बताओ, बताओ ना कहां पहुंचा सकते हो तुम? वहां देवराज इंद्र, जहां तुम्हें तुम्हारा जीवन नर के समान लगेगा, उस स्थिति में जहां तुम मरना चाहोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि तुम अमर हो ना देवराज इंद्र। तुम ये सोच सोच कर पछताओगे कि तुमने मृतपान क्यों किया। रुक जाओ बलि, सावधान सावधान इंद्र। Ah!
सेनापति, यह मुकुट संभाल कर रख लीजिए और समस्त देवताओं के मुकुट भी बटोर लिए जाएं। जो आज्ञा सम्राट। बंदियों के लिए क्या आदेश है? इन्हें कारागार में डाल दिया जाए? नहीं, यह दंड इनके लिए बहुत साधारण होगा और वैसे भी ये दंड पहले भोग चुके हैं और अभ्यस्त हो चुके हैं। तो फिर इनके लिए क्या आदेश है? इन्हें देवलोक से निकालकर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। अब ये देवलोक में नहीं रहेंगे और पाताल लोक में यूं भी इनके लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु सम्राट, मानव लोक में तो वहां भी एक घोषणा कर दो कि देवराज इंद्र के समस्त साथी हमारे शत्रु हैं और जो भी हमारे शत्रुओं को आश्रय देगा वो बिना कुछ कहे हमसे अपनी शत्रुता की घोषणा करेगा। हमारे हृदय में अपने शत्रुओं के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही हमारे मन में उनके लिए कभी करुणा जागेगी। और यह भी घोषणा कर दो कि मैं अपने शत्रु के मित्र को भी अपना शत्रु ही मानूंगा, भले ही वो कोई भी हो, कहीं भी हो। ले जाओ इन्हें। गुरुदेव, 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 मेरे दूसरे जीवन के स्वामी, अपने सेवक की ओर से देवराज इंद्र का मुकुट, ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। धन्य हो शिष्य, तुम धन्य हो। गुरुदेव, आपने केवल मुझसे देवराज इंद्र के मुकुट की मांग की थी, परंतु मैं आपके चरणों में समस्त देवताओं के मुकुट अर्पित करता हूं। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, तुमने मेरी हार्दिक इच्छा पूरी कर दी। गुरुदेव, यदि आपकी कोई और इच्छा हो तो कृपा करके व्यक्त कीजिए, आपका यह शिष्य उसे पूर्ण करना अपना सौभाग्य समझेगा। देवताओं का क्या किया तुमने? गुरुदेव, मैंने देवताओं को शून्य में भटकने के लिए छोड़ दिया है। अब उनके सिरों पर किसी भी छत की छांव नहीं रहेगी। देवलोक सदा सदा के लिए उनसे छीना जा चुका है। बस इसी स्थान पर मेरे मस्तिष्क में शंका सिर उठाने लगती है। अर्थात गुरुदेव? देवलोक तो उनसे पहले भी छीना जा चुका है। तुम्हारे पितामह हिरण्यकश्यपु ने इंद्रासन प्राप्त कर लिया था, इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, परंतु तुम्हारे दादा श्री प्रह्लाद ने उसे देवताओं को लौटा दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि तुम या तुम्हारी अगली पीढ़ी एक बार देवलोक देवताओं को वापस लौटा दे। गुरुदेव,
जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं ये प्रण करता हूं और आपको ये वचन देता हूं कि मैं देवलोक कदापि देवताओं को नहीं लौटाऊंगा। और रही बात मेरी पीढ़ी की, तो मैं ये घोषणा करता हूं कि देवलोक देवताओं को लौटाना है या नहीं, ये अधिकार केवल आपका रहेगा। देवराज सहित समस्त देवताओं के मुकुट दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में देखकर आपको अवश्य दुख हो रहा होगा, है भी दुख की बात। महादेवी, मुकुट तो केवल वैभव के प्रतीक होते हैं, उनका इससे अधिक कोई महत्व नहीं होता। सत्य पूछिए तो देवताओं के मुकुट उतरते हुए देखकर दुख कम हुआ? दुख अधिक इस बात का है कि केवल एक भूल के कारण देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के सिर झुक गए। हे महादेवी, जिस प्रकार चरित्र की हानि धन की हानि से अधिक बड़ी दुर्घटना होती है, उसी प्रकार देवत्व का अपमान देवताओं के अपमान से अधिक बड़ी दुर्घटना है। देवराज इंद्र ने जो कुछ किया उससे समस्त संसार की दृष्टि में देवत्व का मान घट सकता है, और मुझे दुख इस बात का है। सबको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, यही विधि का विधान है। सत्य पूछिए तो देवराज के पतन का दुख किसी को भी नहीं होगा, पर मैं तो माता हूं इसलिए हर माता के दुख से व्याकुल हो जाती हूं। कहीं आपका संकेत देव माता अदिति की ओर तो नहीं? आप जान गए कमल नयन। हाँ यही बात है, मैं जानती हूँ कि अपने पुत्रों की ये दुर्दशा देखकर देव माता अदिति व्याकुल हो उठेंगी। पुत्रों का दुख सबसे सहन हो सकता है, परंतु माता से नहीं। अदिति की व्याकुलता का विचार ही मुझे व्याकुल कर रहा है। जिसके मन पर क्रोध का अंधियारा छा जाए, भूले अपनी राह वो औरों को भटका, घाटे में रहता वही नहीं जिसे ये ध्यान, बीमा